नलिनी, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वीट यानी कि गेहूं से बनने वाले फुलके, चपाती। जनरली मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारी रोटी फूलती नहीं है या फिर वो सॉफ्ट नहीं होती है, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरी इस रेसिपी में है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। हमें चाहिए गेहूं का आटा। हमने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी लिया है, आप उतना ले सकते हैं जितना आपको जरूरत हो। 10 से 12 रोटियां इसमें बनेंगी। इसके अलावा चाहिए एक छोटा चम्मच ऑयल। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल या देसी घी भी ले सकते हैं। पानी चाहिए और नमक चाहिए एक छोटा चम्मच। एक सिंपल डो बना रहे हैं हम, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चपातीज यूज होती हैं उसके लिए हम इसमें डालेंगे ऑयल। थोड़ा सा हम इसमें जगह बनाएंगे, इसमें डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा नमक, बहुत ज्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे हम, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हम एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे। हम चारों तरफ से ऐसे डो पानी में मिलाते जाएंगे और इसको इकट्ठा करेंगे। आप चाहें तो एक इजीएस्ट वे ये भी है कि जो जो आपका मिक्स होता जा रहा है उसको थोड़ा साइड रखिए, फिर ये जो फ्लोर है इसको इधर ले आइए, इसमें थोड़ा पानी और ऐड कीजिए एंड मिक्स इट अगेन। अभी और थोड़े पानी की जरूरत है हमको और इसको मिक्स करेंगे। एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, जब हमारा डो ये बनने लगेगा तो हम ये सारी चिकनाहट जो आपकी थाली में या आपके बोल में लगी होगी आप उसको ऐसे कलेक्ट कर लेंगे और उसको पुश कीजिए। ये देखिए अब हमारा ये डो लगभग बनने लगा है। इसको थोड़ा प्रेस करेंगे हाथ से अपने और ये साइड से इसको ऐसे कर देंगे और थोड़ा सा हम थाली में पानी डालेंगे, लिटिल बिट, देखिए ऐसे, और ऐसे कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम करेंगे ढिशोम ढिशोम, थोड़ा सा पानी हम अपने हाथ में लेंगे, दोनों हाथों में लेंगे क्योंकि ढिशोम ढिशोम हम दोनों हाथों से करेंगे और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और हाथों के लिए और इस आटे के लिए भी। आप जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं इससे हमारा जो ये डो है ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो हमको क्या करना है, अपना ये ऐसे करना है, मुट्ठी बांध लेनी है और हम स्टार्ट करेंगे इस पर प्रेस करना। ऐसे प्रेस करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और ये प्रोसेस हम इस डो को ऐसे पलटेंगे, अगेन हम करेंगे ऐसे। अगर आपको लगे कि ये डो हमारा बहुत हार्ड हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और एक और ट्रिक है, अगर आप चाहते हैं, देखिए मेरे हाथ में बिल्कुल भी ये डो नहीं चिपका, आप यहाँ पे पानी लगाइए, थोड़ा सा पानी, इससे ये डो भी सॉफ्ट होगा और आपका आटा भी हाथ में नहीं चिपकेगा। और ऐसे करेंगे तकरीबन आधा एक मिनट और इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड इट अगेन और ढिशोम ढिशोम, और इसको हम ऐसे लपेट लेंगे। आपने एक मिनट इसके साथ ढिशोम ढिशोम कर लिया है। अगर आपको एट इंस्टेंट बनाना है तो एक डेढ़ मिनट की जगह इसको आपको ज्यादा नीट करने की जरूरत है, अदरवाइज इसको ढक करके 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट होने के लिए। हमारी चपातीस के लिए ये डो तैयार हो गया, अब हम रोटी बनाएंगे। सबसे पहले हम एक तवा लेंगे, हमने यहाँ नॉनस्टिक तवा लिया, आप लोहे का तवा भी ले सकते हैं, और आटे की कुछ लोइयां हम इसमें से काटेंगे। देखिए हमने इतना बड़ा लिया है लोई और इससे हम बहुत बड़ा रोटी नहीं बनाएंगे, बहुत छोटा रोटी भी नहीं बनाएंगे, एक सुंदर दिखने वाली चपाती बनाएंगे। और इसको प्रेस करेंगे ऐसे और इसमें थोड़ा सा हम ये आटा इसमें लगाएंगे और जो अनवांटेड आ गया है उसको थोड़ा इसे झाड़ देंगे। और उसके बाद हम इसको पहले सीधे फेस को थोड़ा घुमाएंगे, इसको ऐसे बेलेंगे, हर डायरेक्शन में हम पलट पलट के इसको बेल लेंगे। और अगर थोड़ा स्टिकनेस लगने लगे, ये स्टिकी लगने लगे, आप इसमें थोड़ा सा आटा और मिलाएंगे ऐसे, और इसको हम
ठीक है, एक आप रोलिंग पिन लीजिए जो, तो आप उसको बीच में रखिए और कोशिश कीजिए इसको ऊपर से नीचे की तरफ हर और रोटी भी घूमने लगे ऐसा, और ऐसे घुमाते रहिए उसको, ये देखिए, और जहां इवन नहीं है वहां ज्यादा कर दीजिए, ये देखिए, और ये देखिए मैंने एक गोल रोटी बना दिया है। आप इसको हम गर्म तवे के ऊपर प्लेस करेंगे, तकरीबन 15 से 20 सेकंड के बाद हम इसको पलट देंगे, फ्लेम जो स्टार्टिंग में होगा वो हाई रखेंगे और इसको अब हम फ्लिप करेंगे चिमटे की हेल्प से, ये देखिए, और हल्की चित्तियां देखिए आई हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा उस साइड ना पके, मतलब जिस साइड हमने पहले डाला है, हल्की चित्तियां आने के बाद हम उसको बदल देंगे और अब इस साइड हम हीट को मीडियम कर देंगे और अच्छे से पकने देंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब हम रोटी बना रहे होंगे तो हमारा जो बेलन है वो हम बहुत ही सॉफ्टली पकड़ेंगे और सॉफ्टली उसको चलाएंगे। अब हम इसको फ्लिप करके देखेंगे कि ये पक गया इस साइड, ये देखिए ये चित्तियां लाल पड़ गई हैं। अब हम इसको गैस की जो फ्लेम है उसको हाई करेंगे और इसको ऐसे चिमटे की हेल्प से पकड़ेंगे, तवा हटाएंगे और इसके ऊपर ये रख देंगे, और ये देखिए फुली फुली रोटियां इज रेडी। और दोनों साइड से हम पका लेंगे ऐसे और हर डायरेक्शन में पका लेंगे और इसको हम उतार लेंगे, ये देखिए हमारी रोटी तैयार हो गई। देखा आपने ये कैसे इजीली बन गया, बस बनाते वक्त ध्यान रखना होगा कि कोई भी काम धीरे धीरे आता है, तो रोटी जो नक्शा बनता था अब आपका गोल बनेगा, फूला हुआ भी बनेगा। तो प्लीज़ आपको अगर ये मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बना हुआ है प्लीज़ उसे प्रेस कीजिए। मैं नलिनी, इजाज़त चाहती हूँ, नमस्कार।